हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम कैसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आधार कार्ड मात्र 50 रुपये में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। और हम इस पर भी बात करेंगे कि अगर आपने पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर दिया है और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो क्या किया जाए। इसके लिए सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे। गूगल पर हम सर्च करेंगे आधार कार्ड। आधार कार्ड सर्च करने पर जो सबसे पहले हमारे पास जो वेबसाइट आएगी गवर्नमेंट की आधार की, उसी को हम ओपन करेंगे। इस प्रकार हमारे पास आधार की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब इस वेबसाइट के अंदर हम माय आधार मेन्यू में जाएंगे और ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें एक नया फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले आधार कार्ड नंबर डालने पड़ेंगे 12 डिजिट के, जो कि हम डालते हैं। अब हम यहाँ पे अपना सिक्योरिटी कोड डालेंगे। अब हम हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और ये ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आधार की वेबसाइट से भेज दिया जाएगा। अब हम यहाँ पे जो ओटीपी आया है उसे डालेंगे। ओटीपी डाल के टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करेंगे और हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने पे हमें हमारे आधार की डिटेल प्रीव्यू कराई जाएगी और एक सैंपल दिया जाएगा। इस सैंपल में लिखा होगा कि हमारा यहाँ पे फोटो आएगा, इस जगह फोटो आएगा, यहाँ होलोग्राम आएगा, यहाँ पे हमारे आधार नंबर आएंगे, बैक साइड में भी एड्रेस, नाम और ये बार कोड नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार का पूरा होलोग्राम दिया जाएगा, ये फोटो आएगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सारी चीज हमें बताई जाएगी। अब हमें यहाँ पे पेमेंट करना होगा। डायरेक्ट हमें पेमेंट गेटवे पे भेज दिया गया। अब यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शन से हम यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शन है, अमेजन पे, यूपीआई, सबसे ऑप्शन कर सकते हैं तो सबसे पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पेटीएम से पेमेंट करता हूँ, पेटीएम की यूपीआई डालता हूँ। और वेरीफाई करके चेक करता हूँ कि यूपीआई सही है, प्रोसेस करता हूँ। अब इस प्रकार हमारे मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपीआई के अंदर, जिसमें हमें 50 रुपये डिडक्ट करने होंगे। जैसे ही हमारे अकाउंट से 50 रुपये कटेंगे और हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब हम यहाँ से पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम वापस जाएंगे आधार की वेबसाइट पे। हमें यहाँ पे चेक आधार कार्ड पीवीसी स्टेटस यहाँ पे चेक करेंगे। हम हमारे आधार नंबर डालेंगे। यहाँ सिक्योरिटी कोड डालेंगे। वापस ओटीपी लेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी हमारे मोबाइल पे आ जाएगा। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, सबमिट करेंगे
ये देखिए, ये जैसे कि ये पूरी हमारे पीवीसी कार्ड की सारी डिटेल्स आ जाती है। 1/7/2021 को मैंने पहले कार्ड ऑर्डर करा था और 1/8/2021 आज है। आज मैंने वापस से अपना कार्ड ऑर्डर करा है, इनके पास रिक्वेस्ट आ गई है, 10 से 15 दिन के अंदर कार्ड हमारे पास आ जाता है। इसी प्रकार मैंने अपने चार पूरी फैमिली मेंबर के 4 आधार के पीवीसी कार्ड ऑर्डर करे थे, उनमें से 3 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई और मुझे लगा कि अब कार्ड नहीं आएंगे, पेमेंट भी वापस हो जाएगा। लेकिन 15 दिन बाद ऑटोमेटिक चारों एप्लीकेशन के कार्ड घर पर रिसीव हो गए। एप्लीकेशन रिजेक्ट होने पर घबराइए नहीं, वापस से पेमेंट मत कीजिए। 10 से 15 दिन में आपके घर पे ऑटोमेटिक एप्लीकेशन रिजेक्ट होने पे भी कार्ड आपके घर पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू। इस प्रकार बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आप कार्ड घर बैठे 50 रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं।